आप देख रहे हैं कि ये जिस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं उसी तरफ से गाड़ियां आ रही थी और सामने गेट था। आप जो ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ है यहाँ पर और इसी के पास में एक लोहे का गेट लगा था और गाड़ी इतनी स्पीड में आती है कि सीधा इस पर टक्कर मारती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक चारपाई बिछी हुई है इस पर। नमस्कार साथियों, आज है हम दिल्ली के एबी एक्सटेंशन सुल्तानपुरी में, जहाँ के पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत भयानक है। और साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ आज रात्रि 12:30 बजे एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिसने सबके दिल को दहला कर रख दिया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो रात को इतनी बुरी तरह से इस बोध भयार पर टक्कर मारती है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो हालत है, किस तरह से जो हादसा रात को घटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार है, जो कि सुल्तानपुरी नाले के पास स्थित है। और यहाँ पर जो रात को घटना घटी है, वो घटना अभी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से वो घटना घटी है। और यहाँ पर जो भंते जी हैं, हम उनसे रूबरू कराएंगे कि किस तरह से घटना घटी और क्या क्या हुआ। हमारे साथ में है भिक्कू संगदीप महाथेरा जी, उनसे हम जानना चाहेंगे भंते जी, जो रात को घटना घटी वो किस समय घटी और कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये घटना का समय तो 12:30 बज रहे थे। अब हमें ये पता नहीं है कौन लोग थे, गाड़ी जो है मारी टक्कर और एकदम हादसा हुआ, तभी हम खड़े हो गए, मेरी तो गिगी बन गई। ये हादसा का समय 12:30 बज रहे थे रात के, और हम यहीं खाट पे लेटे हुए थे, तो एकदम जो जानी धमाका हुआ, तो धमाके पे हम फिर एकदम जग के खड़े हो गए। तो हमने देखा का कार खड़ी थी, उसमें तीन चार लोग खड़े घुसे थे, तो फिर अपने निकल के और वो भाग भूग गए। गाड़ी में नंबर लिखा था, वो नंबर से फिर उसको मालिक को बुलाया, फिर मालिक ने आए करके पुलिस वुलिस को बुला लिया, पुलिस फोटो वोटो ले गई और हमसे जे यहाँ देख ले गई, नक्शा नक्शा ले गई, यही हुआ बस। बंदे जी कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी इको थी। तो पुलिस की तरफ से अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है यहाँ इस बुध विहार को लेकर? तो पुलिस ने लिखा है
कोई अभी आई नहीं, कोई पुलिस वाले दोबारा नहीं आए, वही शाम को आए थे, तब से दोबारा सवेरे नहीं आए कोई। बंदे जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो चारपाई है वो यहाँ पर बिछी हुई थी और इस तरफ से रात को गाड़ी आई थी। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो एक बार दिखाए। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जिस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उसी तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी और सामने गेट था। आप जो ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ है यहाँ पर और इसी के पास में एक लोहे का गेट लगा था और गाड़ी इतनी स्पीड में आती है कि सीधा इस पर टक्कर मारती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक चारपाई बिछी हुई है, इस पर हमारे बोध भिक्खु सो रहे थे। लेकिन जो आपको बता दें कि जो घटना घटी है उससे भिक्खू जी बाल बाल बचे हैं, क्योंकि साथियों घटना और हादसा इतना भयानक था कि एकदम से जो टक्कर होती है वो इतनी भारी टक्कर होती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर है वो भी काफ़ी संख्या में पड़े हुए हैं और यहाँ तक जो पत्थर है उसकी बौछार गई हुई है और यहाँ पर गाड़ी का जो बोनट है वो भी टूटा पड़ा है कई टुकड़ों में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो घटना थी वो बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना थी। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो बौद्ध भिक्खु थे उनकी जान बच गई है, उनकी जान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथियों, जो घटना थी उसने सबको दहला दिया। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ उपासक गण भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। मेरा नाम संतराम। संतराम बोजी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, ये तो बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन हमें तो ये मालूम पड़ता है किसी ने साजिश किया हो, क्योंकि इतनी टक्कर, इतनी जबरदस्त टक्कर देखते हुए देखो सर, बाल बाल बचे हमारे बंते जी, और गेट कितना मजबूत तरीके से लगा हुआ था, जो कम से कम पत्थरों की दीवार थी इसमें 1.5 फुट की, उसके बाद में भी एक 9 इंची की दीवार थी, वो भी तोड़ के गाड़ी अंदर आग घुस गई थी। तो जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो जाने में हुई हो अनजाने में हुई, उस व्यक्ति का अभी तक कुछ पता चला है या वो रात को ही यहाँ से फरार हो गया था? हाँ, ये पता लगा कि शाहबाद डेयरी की गाड़ी है, मालिक खुद आया था रात को, जो क्रेन के द्वारा गाड़ी को खिंचवा के सुल्तानपुरी थाने में ले गए। जी हाँ, ड्राइवर भाग गया था गाड़ी छोड़ के। तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक? अभी तक कोई भी हमको सूचना नहीं मिली, ना पुलिस वाले द्वारा कोई आए हैं अवगत कराने के लिए कि क्या FIR में लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है वो कितनी लापरवाही दिखा रहा है। अब तक किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह नमन त्रिशरण पंचशील के लिए आते हैं, और जो घटना घटी है उस पर अभी प्रशासन ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक उपासक और है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस घटना को लेकर क्या कहेंगे। हमें यह घटना से बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे भंते जी इससे बाल बाल बचे हैं और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हमारे इस बुद्ध विहारी की तरफ उन्होंने कोई कैसा भी कदम नहीं उठाया है कि हमारे इस बुद्ध विहार के लिए क्या उन्हें करना है, इसका निर्माण दोबारा से कराना है या फिर हमारे और कोई कानूनी कार्रवाई की है। रात ही वो आए थे, रात के बाद दोबारा से उन्होंने यहाँ कोई दर्शन नहीं दिए, और शायद क्या कानूनी कार्रवाई की है ये भी अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है और स्थानीय निगम पार्षद है, क्या वो यहाँ पर आए हैं अब तक? अभी नहीं आए हैं। उनके पास में सूचना गई है इस घटना की? अच्छा, निगम पार्षद आए हैं, बाकी जो MLA साहब हैं वो नहीं आए हैं, विधायक जी। तो निगम पार्षद वो क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर? वो भी अपना देख करके चले गए, कहा उन्होंने कुछ नहीं है। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक बाऊजी और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बाऊजी, जब पूरे देश में अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है और बौद्धों पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी कड़ी में यहाँ पर सुल्तानपुरी में रात को एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने लोगों के दिल को दहला दिया है, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? गेट जो है बहुत बिच्छू, यहाँ के जो है ऑल इंडिया कार्यकारिणी सदस्य के ऑल इंडिया भिक्खु संघ हैं संघदीप, वो यहाँ लेटे हुए थे डॉक्टर अम्बेडकर के प्रांगण में। गेट है मेन, वहाँ जहाँ से ये रोड है मेन रोड पर ये गेट बना हुआ था, वहाँ से कम से कम 25-30 साल पुराना गेट है और ये ध्वस्त कर दिया है इस गेट को। कोई कहता है कि दारू पी के आया था, गाड़ी चला रहा था, क्या कह सकते हैं, 12:30 बजे का टाइम था, बहुत बिच्छू लेटा हुआ था, सो रहा था, और हम लोग जो हैं यहीं पास में रहते हैं आसपास प्रांगण में, उपासक होने के नाते से पता चला कि यहाँ बहुत बिच्छू के साथ इस तरह का एक गाड़ी धक्का दे गई, तो यहाँ देखा तो पूरा गेट ध्वस्त कर दिया गया था। गाड़ी का नंबर और पुलिस को 100 नंबर की सूचना दी गई, सूचना देने के बाद पुलिस के जो IO हैं क्षेत्र के SI परमानंद वो बताए गए हैं पुलिस की 100 नंबर की कॉल के मुताबिक, तो उसके बाद क्रेन बुलाई, क्रेन के साथ साथ वो पुलिस वो जो गाड़ी का ओनर था वो भी आया मौके पर, तो बंती जी कह के गया, पुलिस से भी कह के गया हम आएंगे तो मरम्मत कराएंगे। मैंने फिर सुबह मॉर्निंग में भी आया था, भरत नाम का वो है वो मालिक गाड़ी का,
तो उससे मैंने कहा भाई पहले ड्राइवर को लाओ, ड्राइवर को ढूंढो, पकड़ो कहाँ है ड्राइवर, और ड्राइवर के बाद ही पता चलेगा कि अनलीगल तरीके से या लीगली तरीके से किसकी गलती है। क्योंकि अनलीगल तरीके से ये गेट तोड़ा गया है। आज का 25 साल पुराना गेट है, डॉक्टर अम्बेडकर की जहाँ भी प्रतिमाएँ भारत में स्थापित हैं वहाँ कोई ना कोई जघन्य अपराध करने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए कि ये RSS के क्षेत्र की मवाद है। शाम को मैंने फ़ोन में क्षेत्रीय निगम पार्षद जो हैं क्या नाम उनके जो इस क्षेत्र का 47 का वार्ड का है फौजी के नाम से निगम पार्षद है, तो वो आए थे मौके पर। शाम को भी उन्होंने उससे बात कराया कि ऐसे ऐसे गेट हमारा ध्वस्त कर दिया। सुबह मॉर्निंग में विद फैमिली आए थे, वो मौके पर देख के गए बंते जी से क्या क्या भी अनुशासन देखे गए कि हम जो भी होगा हम करेंगे, आप अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दे देना, तो मैं उसका प्रारूप बना रहा हूँ। अब क्षेत्रीय आज का मौका मैं इस दे रहा हूँ क्योंकि वो सुबह मालिक आया था, वो भी क्या के गया था बंते जी मेरे लायक कोई हो आदेश तो हम बताओ। पुलिस की अभी कोई भूमिका नहीं आई और न ही योगदान दिया, इसलिए जहाँ तक ख्याल है कि अब हम आप भोजन हिता है भोजन सुखाए के संबंध में सभी लोग कार्यरत हैं। यहाँ एक सार्वजनिक गेट है और सार्वजनिक गेट इस तरह से ध्वस्त कर दिया जो मेन गेट माना जाता है इस गेट का बुद्ध विहार का। बौद्ध भिक्षु को पता है कि बंते जी हैं वो भी आ गए, आप सब लोग आए तो हमें नहीं तो बौद्ध भिक्षु तो मरणात्र इस तरह की स्थिति थी कोई कह नहीं सकता ये बच गया, तथागत की कृपा थी इसलिए बचाव हो गया। तो अब इसके लिए मरम्मत के लिए जो गेट बनाने के लिए जो भी है पुलिस की नॉलेज में डाल के उसको बनवाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ से ये जानबूझ के सृजन तक किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये दारू पी के गेट तोड़वाया गया, ये एक प्री प्लानिंग, क्योंकि बहुत बच्चे तो डेली लेट थे, कूलर है सुविधा है मेन गेट आने जाने का यही है, तो इस गेट पर ये इतने मजबूत था कि अगर बुद्ध पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नज़दीक थी तो वह क्षतिग्रस्त हो जाती, इतनी लंबाई है 20-25 फुट, तो इसका मतलब 20-25 फुट इधर अंदर और 20-25 फुट पहले, तो इससे पहले रोड इतना था कि वो गाड़ी आराम से छोटी हो, वो लोडेड गाड़ी भी नहीं थी, खाली गाड़ी थी उसमें 3 आदमी बैठे थे जिसमें 10 साल का बच्चा बताया जा रहा है और 2-3 आदमी थे, तो और गाड़ी बिल्कुल खाली थी। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है इस घटना को लेकर? ये गेट जो है उपस्थिति में पूरा स्थापित किया जाए और इसका एस्टीमेट बना के क्षेत्रीय निगम पार्षद हो या क्षेत्रीय विधायक हो, वो पास में रह रहे हैं उनको सूचना दे चुके हैं कि गेट टूट गया है धार्मिक स्थल का, वो यहाँ आते जाते भी आए भी हैं वोटों के टाइम पे भी, आप सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो बेहतर ये कि हम तो हमारी मांग ये है बौद्ध भिक्षु के द्वारा, क्योंकि हमारे बौद्ध भिक्षु जो संदीप हैं वो ऑल इंडिया भिक्षु कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो ये काउंसलर ही हैं, तो उनकी जान बच गई समझ लो, इसलिए हमें अनुकंपा है तथागत की कि वो उनका बचाव हो गया। बाकी हम सब लोग उपासक हैं, आप सब लोग हैं, कोशिश करेंगे इस गेट को स्थापित करने के लिए, उन्हें यही मांग करते हैं आप सब उसके। बाकी आपके चैनल पे और आप NV है उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो है तुरंत सूचना सुनी और इसको टैली किया है मौके पर आप। तो साथियों अभी इन्होंने बताया कि जो घटना यहाँ पर घटित हुई है रात को 12:30 बजे, इनको संदेह है कि वो घटना घटित नहीं है बल्कि उस घटना के पीछे कुछ नाजायज शक्तियों का हाथ है जिन्होंने की जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस घटना को लेकर और प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है इस घटना को लेकर। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।